वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, रेफरेंस स्टैंडर्ड एएसएमई बी 31.3 एंड एएसएमई बी 61.34। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली फोर फैक्टर्स हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे इम्पैक्ट करता है। एक है ग्रेन साइज एंड माइक्रोस्ट्रक्चर, अदर वन इज हीट ट्रीटमेंट, थर्ड वन इज एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, ये बेसिकली फोर ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करता है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं ड्रास्टिकली। और जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपका चेंज हो जाएगा तो डिज़ाइन भी उसका इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि बेसिकली डिज़ाइन जो होता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर किया जाता है। अगर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होता है तो इट मीन्स कि आपका डिज़ाइन भी चेंज होता है और जो आपको रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंसिडरेशन जो डिज़ाइनिंग के लिए है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, समझते हैं फिर क्या इसका इम्पैक्ट है, एक एक को समझते चलते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज। ग्रेन साइज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक फाइन ग्रेन, एक आपका फाइन ग्रेन्स मेटल होते हैं, दूसरा कोर्स ग्रेन होते हैं। जो फाइन ग्रेन होते हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर, फाइन ग्रेन जो रूम टेम्परेचर के ऊपर, उसका जो ग्रेन बाउंड्री है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस कोर्स ग्रेन से ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा होता है। इससे ये पता चला कि जो फाइन ग्रेन से वो आपका क्या है, ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फैटिक स्ट्रेंथ है और इजीली वर्क हार्डेंड है। और उसके रिस्पेक्ट में कोर्स ग्रेन जो हैं हमारे वो क्या होते हैं, सरफेस जो होता है उसका रफनेस होता है और डिफ़िकल्ट टू पॉलिश होता है, और उसका जो टफनेस है लेस टफनेस होते हैं और डिस्टोर्शन हो जाते हैं उसके, किसके, गो कोर्स ग्रेन के। और कोर्स ग्रेन का जो बेनिफिट है, बेटर वर्केबिलिटी, हार्डनेबिलिटी एंड फोर्जेबिलिटी, ठीक है। और हायर टेम्परेचर बेसिकली क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो कोर्स ग्रेन होते हैं उसका जो क्रीप रेजिस्टेंस होता वो बेटर होता है देन फाइन ग्रेन मेटल के रिस्पेक्ट में। तो हमें ये पता चला कि ग्रेन जो साइज हैं, एक फाइन ग्रेन है एक कोर्स ग्रेन है, ठीक है। तो फाइन ग्रेन्स जो होते हैं उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ फैटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एट रिस्पेक्ट टू कोर्स के, और कोर्स के जो होता है सरफेस फिनिश रफनेस होती है और डिफ़िकल्ट टू पॉलिश होता है, और इसका टफनेस कम होती है और डिस्टोर्शन हो जाता है, यानी ग्रेटर टेंडेंसी टू कॉज डिस्टोर्शन, ठीक है। और रूम टेम्परेचर के ऊपर जो ग्रेन, जो फाइन साइज के ग्रेन बाउंड्रीज होते हैं वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका हायर स्ट्रेंथ और हार्डनेस होते हैं, और हायर टेम्परेचर पे क्रीप रेजिस्टेंस कोर्स ग्रेन के ज़्यादा होते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ को मेज़र करें मैथमेटिकली, तो स्ट्रेंथ जो होता है मेटल का इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द
स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेन साइज, स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेन साइज यानी ग्रेन साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन स्ट्रेंथ होगा। इफेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट से जो आपको इम्प्रूवमेंट होता है वो इम्प्रूवमेंट होता है डक्टिलिटी, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस बढ़ते हैं हीट ट्रीटमेंट से। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर बेसिकली ये रिलेटेड टू द कोरोजन है। तो आपका जो मेटल है, मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो जिससे उसका ऑक्सीडेशन होते हैं और ऑक्सीडेशन फिल्म फॉर्म हो जाता है इन परसेंस ऑफ मॉइस्चर, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर कोरोसिव कंडीशंस। तो उसका आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल को डिक्रीज कर देता है। अब बेसिकली क्या है फिर इसमें, जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑन द मेटल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, ये फोर फैक्टर्स हैं। एक करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल यानी कि मेटल की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है उसके ऊपर, वैल्यू ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन इट्स सरफेस, परसेंस ऑफ सर्टेन रिड्यूसिंग एजेंट, लोकल सेल्स फॉर्म ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स, डिसकंटिन्यूटी ऑन द प्रोटेक्टिव फिल्म सरफेस, यानी कि बेसिकली ये जो हो गया पीटिंग कोरोजन, गैल्वेनिक कोरोजन, इस टाइप्स के ये कोरोजन की बात कर रहे हैं। जो ये कोरोजन आपको मेटल के ऊपर आ जाएगा तो स्ट्रेंथ आपका कम हो जाएगा, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक कोरोजन का भी कंसिडरेशन रहता है जो मेटल के प्रॉपर्टीज के ऊपर इम्पैक्ट करता है और इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं एट ए रूम टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर जितने भी स्ट्रेंथ यानी कि टेंसाइल और यील्ड स्ट्रेंथ डिफाइंड रहता है, और मोस्ट फेरस मेटल्स की जो कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ 200 डिग्री सेल्सियस तक चलता है, और नॉन फेरस मेटल्स एट ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और बात दूसरी है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेम्परेचर ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटता जाएगा। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे तो उसका स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका जीरो हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा वो मेटल क्या होगा, वीकर एंड मोर डक्टाइल हो जाएगा, और ब्रिटलनेस मोर डक्टाइल एंड वीकर हो जाएगा, और जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो मेटेरियल आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ये थंब रूल है, क्या हो जाएगा, जो मेटेरियल है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर डिफाइंड रहते हैं उसका स्ट्रेंथ, रूम टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर और ऑपरेटिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और मोस्ट फेरस मेटेरियल जो होते हैं उसका स्ट्रेंथ 200 डिग्री सेल्सियस तक चलता है, और नॉन फेरस मेटेरियल का जो स्ट्रेंथ मैक्सिमम रहता है एट ए रूम टेम्परेचर पे रहता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपका घटते जाता है टेम्परेचर के साथ और ज़ीरो हो जाता है एट ए मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि जब टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर पे मेटल क्या हो जाता है, वीकर हो जाते हैं और मोर डक्टाइल हो जाते हैं, और लो टेम्परेचर पर मेटल क्या हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज एन इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल मेटल्स। डिक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज एन इंक्रीज इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द मेटल्स। एलॉयज ऑफ निकल,
कॉपर एल्यूमिनियम रिटेन मोस्ट ऑफ दियर डक्टिलिटी टफनेस एट ए लो टेम्परेचर. फॉर माइल्ड स्टील द एलोंगेशन रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेटिस्फैक्ट्री अप टू -180 डिग्री सेल्सियस, बट आफ्टर दैट इट गोज डाउन टू द लार्ज एक्सटेंट. नियर एब्सोल्यूटली जीरो टेम्परेचर मेनी मेटल्स एग्जिबिट द फेनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी. बिलो -10 डिग्री सेल्सियस नॉन फेरस मेटल्स शो बेटर प्रॉपर्टीज देन फेरस मेटेरियल्स. लो टेम्परेचर कॉजेस लो थर्मल वाइब्रेशंस एंड लैटिस पैरामीटर्स. इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर स्टील का एक एग्जाम्पल लिया है. एट टेम्परेचर्स बिलो -10 डिग्री सेल्सियस टिपिकल स्टील्स बिकम मोर ब्रिटल एंड टफनेस इज अफेक्टेड. बिलो -10 डिग्री सेल्सियस यूजिंग सेलेक्टेड ग्रेड्स ऑफ कार्बन स्टील इट इज पॉसिबल टू ऑपरेट एट ए टेम्परेचर डाउन टू -40 डिग्री सेल्सियस. एट दीज लो टेम्परेचर्स इट इज नेसेसरी टू कंडक्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट टेस्ट एट लो टेम्परेचर्स ऑन द सेलेक्टेड स्टील टू कन्फर्म सुटेबिलिटी. ऑस्टेनेटिक स्टील्स आर जनरली सुटेबल फॉर अप्लीकेशन डाउन टू एंड बिलो -40 डिग्री सेल्सियस. ऑस्टेनेटिक स्टील्स इज पार्टिकुलर यूजफुल इन क्रायोजेनिक अप्लीकेशन बिकॉज ऑफ इट्स हाई टफनेस एंड स्ट्रेंथ एट वेरी लो टेम्परेचर. यानी इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर किसका एग्जाम्पल है? स्टील का. स्टील जो है बिलो -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाते हैं? ब्रिटल हो जाते हैं और उसका टफनेस अफेक्टेड हो जाते हैं. लेकिन -40 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे आप कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको इम्पैक्ट टेस्ट करना पड़ेगा कि उसकी सुटेबिलिटी है कि नहीं. सुटेबिलिटी चेक करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट करवाना पड़ेगा कार्बन स्टील के लिए. और ऑस्टेनेटिक स्टील्स जो होते हैं लो टेम्परेचर के लिए जनरली सुटेबल रहता है -40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्यों रहता है सुटेबल? क्योंकि उसका हाई टफनेस और स्ट्रेंथ बरकरार रहता है. ठीक है, अब दोबारा फिर समझ लेते हैं कि जो स्टील है कार्बन स्टील है और ऑस्टेनेटिक स्टील्स है. ठीक है, जनरली जो टिपिकल स्टील से -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे मोर ब्रिटल हो जाते हैं और उसका टफनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है. और -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर कार्बन स्टील का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको इम्पैक्ट टेस्ट करना पड़ेगा और इम्पैक्ट टेस्ट करके उसकी सुटेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि सुटेबल रहेगा या नहीं होगा. और ऑस्टेनेटिक स्टील है वो जनरली -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए वो क्रायोजेनिक एप्लीकेशन में भी यूज़ होते हैं क्योंकि उसका हाई स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ जो हाई स्ट्रेंथ और टफनेस रहता है उसके अंदर. नॉन फेरस मेटल यानी कि बिहेवियर जो है नॉन फेरस मेटल का बिहेवियर लो टेम्परेचर में क्या होता है इसको समझते हैं. एल्यूमिनियम एलॉयज आर यूज फॉर स्ट्रक्चरल पार्ट्स फॉर ऑपरेशन एट ए टेम्परेचर एज लो एज -270 डिग्री सेल्सियस. बिलो जीरो
मोस्ट एल्यूमिनियम एलॉयज शो लिटिल चेंज इन प्रॉपर्टीज, लिटिल चेंज इन प्रॉपर्टीज. द यील्ड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ मे इंक्रीज, एलोंगेशन मे डिक्रीज स्लाइटली एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट. एल्यूमिनियम इज यूजफुल मेटेरियल फॉर मैनी लो टेम्परेचर अप्लीकेशन, जिसकी वजह से कॉपर कॉपर एलॉयज आर वाइडली यूज फॉर रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर डाउन टू -40°C. नॉन फेरस मेटेरियल. Effect of high temperatures. Stress and ultimate tensile strength decrease with rise in temperature. Stiffness and fracture stress of many metals also decrease with the increasing temperature. At high temperatures, the toughness of steel is reduced. At high temperature, creep takes place and material fails even at very small stress. Due to rise in temperature, there is a corresponding rise in thermal vibration of atoms, causing changes in structural properties. इसको फिर दोबारा समझते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ. जब टेम्परेचर राइज करेगा तो मेटल की किस किस स्ट्रेंथ पे, किस किस प्रॉपर्टीज पे इम्पैक्ट आएगा. स्ट्रेस एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. जू ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका क्या होगा, घटेगा. उसके बाद स्टिफनेस एंड फ्रैक्चर स्ट्रेस, वो भी क्या होगा, घटेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टफनेस भी आपका घटेगा स्टील का. एट ए हाई टेम्परेचर क्रीप टेक्स प्लेस एंड मेटेरियल फेल्स इवन एट ए वेरी स्मॉल स्ट्रेस. ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स कॉजिंग चेंजेस इन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज. मेटेरियल्स फॉर हाई टेम्परेचर अप्लीकेशन. हाई टेम्परेचर अप्लीकेशन के लिए कौन कौन से मेटेरियल हम यूज़ करते हैं. टंगस्टन ज़्यादातर यूज, स्टेलाइट, हिस्टोलाइट, इनकोनल, स्टेनलेस स्टील, नाइक्रोम, हीट रेजिस्टिंग एलॉय स्टील्स, मोलिब्डेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, नाइमोनिक एलॉयज, टेंटेलम. ये सारे मटेरियल, इतने सारे मटेरियल्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए. अब अभी हमने देखा कि टेम्परेचर राइज करने से क्या क्या इम्पैक्ट आता है. हाई टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज एंड स्टिफनेस फ्रैक्चर्स स्ट्रेस टफनेस क्रीप रेजिस्टेंस, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेन मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे आपके डिक्रीज हो रहे हैं. तो उसका एक एग्ज़ाम्पल लिया है हमने, एक एग्ज़ाम्पल लिया है रॉट आयरन. टेम्परेचर आपका 100, 200, 300, 400, 500, तो आपका ये स्ट्रेंथ जो है घटता जा रहा है. स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज. कास्ट आयरन है, उसका भी टेम्परेचर आप देखेंगे तो घटता जा रहा है. ये सारे आपके घटते हुए क्रम में जा रहे हैं. कास्ट आयरन के भी घटते हुए क्रम में जा रहे हैं. स्टील कास्टिंग्स ये भी घटते हुए जा रहे हैं. स्ट्रक्चरल स्टील्स ये भी, यानी जितनी भी मटेरियल हैं सारे के सारे स्ट्रेंथ आपके क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. टेम्परेचर बढ़ रहा है और स्ट्रेंथ घट रहा है. अब एग्जाम्पल है एक WCB का, जो SME B16.34 से लिया है हमने. इसमें भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है.
ये जो कैपेसिटी है यानी कि प्रेशर कैरिंग कैपेसिटी, वो भी आपका डाउन होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? कि स्ट्रेंथ आपका, मटेरियल का स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। दूसरा एग्जाम्पल हमने जो लिया है ASME B 31.3 का लिया है, उसमें से एक WCB का लिया है, एक डक्टाइल आयरन का लिया एग्जाम्पल। इसमें भी देखेंगे आप कि दोनों का जो टेम्परे जो ईल और टेंसाइल है एट ए रूम टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर। तो आप इसका टेम्परेचर इधर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा है, यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो आपकी ये प्रॉपर्टीज़ भी जो ये स्ट्रेंथ है वो घटता जा रहा है, ये घटते हुए जा रहा है। यानी कि 23.3 से 22 हो गया, 22 से 21.2 हो गया, 20.5 हो गया, 19.6 हो गया, 18.4 हो गया, फिर उसका डक्टाइल का 20 है तो 19, 17.9, 16.9, 15.9, 14.9। तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ने से स्ट्रेंथ आपका घटता है और ब्रिटलनेस बढ़ती है, लो टेम्परेचर पे ब्रिटलनेस बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच।